दुनिया भर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा बदल रहा है। इकोनॉमिक फोर्सेस, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और कंज्यूमर डिमांड्स की वजह से हाल ही में बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर, जो ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा प्लेयर है, काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और प्रोडक्शन स्लो हो गया है। इसकी वजह से इंटरनेशनल टेक्सटाइल लैंडस्केप पर असर पड़ रहा है और उन कंपीटिंग नेशंस और ग्लोबल ब्रांड्स पर भी, जो इन मैन्युफैक्चरिंग हब्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे बांग्लादेश अपने इंटरनल इश्यूज से जूझ रहा है, एक सवाल उठता है, ये शिफ्ट्स ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन्स और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स के साथ ऐसे डिसरप्शंस के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। बांग्लादेश के चैलेंजेस एक केस स्टडी की तरह हैं कि कैसे एक इंडस्ट्री की फॉर्च्यून्स जल्दी बदल सकती हैं। सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व नेशन ही नहीं, बल्कि उसके कंपेटिटर्स और पार्टनर्स पर भी इम्पैक्ट डालती हैं। ग्लोबल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और फ्यूचर ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने के लिए इन डायनामिक्स को समझना जरूरी है। ये सिचुएशन रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी की जरूरत को हाईलाइट करता है अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस में। इन शिफ्ट्स के लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस अभी पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं, लेकिन करंट सिचुएशन ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड के वल्नरेबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है। इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं इन शिफ्ट से और उनकी लाइवलीहुड्स अक्सर खतरे में होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने पर डिपेंड करता है। कई फैक्टर्स ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिफिकल्टीज में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट्स, बढ़ते लेबर वेजेस और एनर्जी प्राइसेस की वजह से मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए हैं। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ने टेक्सटाइल्स की डिमांड कम कर दी है, जिससे इंडस्ट्री के चैलेंजेस और BRH गए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस ने भी बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ और कंपेटिटिवनेस को हिंडर करने में रोल प्ले किया है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और अनरिलायबल पावर सप्लाई ने ऑपरेशनल कॉस्ट्स बढ़ा दिए हैं और लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स क्रिएट किए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेफ्टी और लेबर स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस ग्लोबल ब्रांड्स के लिए जरूरी हो गया है, जो बांग्लादेश से सोर्सिंग करते हैं। इन इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी चैलेंजेस ने मिलकर बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक डिफिकल्ट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। इन कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन शामिल हो। इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के चैलेंजेस से बेनिफिट हो सकता है। जैसे ग्लोबल ब्रांड्स अल्टरनेटिव सोर्सिंग डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं, इंडिया अपने लार्ज और स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ एक वायबल ऑप्शन बनता है। प्रोडक्शन का पोटेंशियल शिफ्ट इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लीड करेगा और न्यू टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को स्टिम्युलेट करेगा। इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होगा, जो इंडिया की कंपेटिटिवनेस को ग्लोबल मार्केट में और एनहांस करेगा। इसके अलावा इंडियन टेक्सटाइल्स की बढ़ी हुई डिमांड देश के लिए एक मोर फेवरेबल ट्रेड बैलेंस क्रिएट कर सकती है। हायर एक्सपोर्ट अर्निंग्स एक स्ट्रॉन्गर करेंसी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है और इम्पोर्ट्स पर रिलायंस कम कर सकती है। पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट सब्सटेंशियल है। सेक्शन 4, ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। इंडियाज टेक्सटाइल ट्रायंफ। इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास कई कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, जो इसे ग्लोबल मार्केट का एक बड़ा शेयर कैप्चर करने के लिए अच्छी पोजीशन में रखते हैं।
के हेरिटेज, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ मिलकर इंडिया को क्वालिटी और क्राफ्ट्समैनशिप का यूनिक ब्लेंड ऑफर करने की परमिशन देता है। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट की हैं, जिनका एम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ और कम्पेटिटिवनेस को प्रमोट करना है। इन स्ट्रेंथ्स का लेवरेज करके इंडिया इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर बन सकता है और ग्लोबल मार्केट का एक बड़ा शेयर कैप्चर कर सकता है। सेक्शन 5, एम्प्लॉयमेंट बूम एंड न्यू होराइजंस इन इंडिया। टेक्सटाइल प्रोडक्शन का पोटेंशियल शिफ्ट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज ला सकता है। फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर डिजाइनर्स और लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स तक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन स्किल्ड लेबर की डिमांड में सर्ज एक्सपीरियंस कर सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर में इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल के ग्रोथ को भी स्टिम्युलेट कर सकती है। ये रिपल इफेक्ट फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में न्यू इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजीज का इन्फ्लक्स स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। इनोवेशन को एम्ब्रेस करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके और एक स्किल्ड वर्कफोर्स को फॉस्टर करके इंडिया अपने टेक्सटाइल सेक्टर की फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और अपने मिलियंस ऑफ सिटीजंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है।